जो कम गेज का निडल होता है वो ज़्यादा बोर का होता है, और उसमें हम ये इंजेक्ट करके डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे इसमें। अब ये मिक्स हो जाएगा इसमें, और ये फिर एएसवी धीरे धीरे पूरे बॉडी में चला जाएगा। जितने बॉडी में जहर फैला है वो धीरे से एएसवी जाने के बाद जहर और ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उसके बाद ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा जल्दी। सर स्नेक बाइट खाया है मैंने। सर ठीक, चलिए सिस्टर। स्नेक ये आप यहाँ पर देख सकते हैं स्नेक बाइट का केस है, और ये स्नेक बाइट का मार्क्स है, दो मार्क्स होते हैं उसमें, फैंग्स होते हैं। कोई समस्या हो रहा है बेटा? अभी सांप काटने के बाद अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सांस लेने में दिक्कत, पलक झपकने में दिक्कत, और निगलने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना? सांस लो, सांस नहीं लो, जोर से सांस लो। क्या नाम है बेटा आपका? क्या? अरविंद। अरविंद। कितने समय पहले काटे थे सांप ने? आधा घंटा पहले ना? सो जब भी हमारे पास स्नेक बाइट का केस आता है तो फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि उनका ब्लड लेते हैं, और उससे ये पता लगाते हैं कि जो स्नेक बाइट हुआ है वो हिमाटोटॉक्सिक है या फिर न्यूरोटॉक्सिक है। कुछ 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 स्नेक ऐसे होते हैं जो हिमाटोटॉक्सिक होते हैं, जैसे वाइपर और जैसे कोबरा हो गए, क्रैट हो गए, ये सब न्यूरोटॉक्सिक हैं, तो इनका ट्रीटमेंट अलग होता है, वाइपर का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो इनका केस है कोबरा जो कि न्यूरोटॉक्सिक होता है, और इनका जहर आधे से 1 घंटे में पूरे बॉडी में फैल जाता है, और ऑलरेडी इन्होंने बताया कि आधे घंटे हो गए हैं, सो अब धीरे धीरे ये जहर पूरे बॉडी में फैलेगा। तो उसके लिए हम एंटीडॉट देते हैं जिसे एएसवी कहा जाता है, एंटी स्नेक वेनम, और ये अभी हम कुछ कुछ प्रोसीजर करेंगे उसके बाद ही एएसवी देते हैं। डायरेक्ट एएसवी दे दोगे तो फिर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन से अगर कोई दिक्कत हो जाती है, इस वजह से पहले हम ब्लड निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि क्लॉटिंग हो रहा है कि नहीं, अगर क्लॉटिंग हो रहा है तो न्यूरोटॉक्सिक है। फिर अब सेकंड स्टेप ये करेंगे, हम टेस्ट डोज के लिए एएसवी टेस्ट डोज देंगे इसमें। सो सिस्टर टेस्ट डोज दीजिए इसमें। सो ये ड्राइड फॉर्म में आता है, एक सेकंड दिखा दीजिए ना सिस्टर। ये एएसवी हमारे पास ड्राइड फॉर्म में आता है, इसे हम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखते हैं, मीन्स इन जनरल जो होममेड फ्रिज आता है वहाँ रखते हैं, ये ड्राइड है। तो इसमें हम लिक्विड मिलाएंगे, डिस्टिल वाटर आता है उसको हम बफर इसके साथ मिक्स करेंगे। ब्लड निकालने के बाद अब ये टेस्ट करेंगे कि एलर्जी हो रहा है कि नहीं। एएसवी से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होता है, तो इसमें ये भी देखेंगे। रुक जा माता जी। तो एएसवी से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होता है, तो एएसवी लगाने से पहले टेस्ट डोज देना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहले एक सर्कल बनाते हैं हाथ में, 0.1 ml इंट्राडर्मल, 0.1 ml इंट्राडर्मल। पॉइंट वन एम एल इंट्राडर्मल लगाते हैं, तो उसके बाद अगर ये एलर्जिक रहेगा तो यहाँ रैसेस बन जाएंगे, लेकिन अगर एलर्जिक नहीं होगा तो रैसेस नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात होती है वाइटल मॉनिटरिंग, तो इसमें हम SpO2 देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं,
ताकि ये देखते हैं कि हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है और सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, इसीलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। सो स्नेक बाइट के केस में बीपी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीपी कम हो जाएगा तो दिक्कत होगा, बीपी बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा। सो अभी इस बच्चे का बीपी नॉर्मल साइड में है, जो कि 100/70 है, जो कि एक बच्चे के लिए नॉर्मल होता है। अब जो लास्ट स्टेप करेंगे, अब 10 मिनट हो चुके हैं, सो अब ये टाइम है ASV लगाने का। अब ASV लगाएंगे क्योंकि यहाँ कोई एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन नहीं हुआ है, यहाँ कोई एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन नहीं होनी, नहीं तो ये पूरे एरिया में रेडनेस हो जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, मीन्स एलर्जिक नहीं है, सो हम आसानी से ASV इसे लगा सकते हैं। तो इंजेक्शन में ऐसे लोड करना है, फिर उसके बाद जो कम गेज का नीडल होता है वो ज़्यादा बोर का होता है, और उसमें हम ये इंजेक्ट करके डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे इसमें। अब ये मिक्स हो जाएगा इसमें, और ये फिर ASV धीरे धीरे पूरे बॉडी में चला जाएगा। जितने बॉडी में जहर फैला है वो धीरे से ASV जाने के बाद जहर और ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उसके बाद ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा जल्दी। और सबसे फॉरमोस्ट जो चीज़ है लास्ट में, हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। बच्चे को छूने से पहले हैंड वॉश ज़रूरी है, बच्चे को छूने के बाद भी हैंड वॉश ज़रूरी है, और सैनिटाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। सो सैनिटाइज करके ही यहाँ से हम बाहर जाएंगे, ताकि इनका इन्फेक्शन किसी और को ना फैले और दूसरे का इन्फेक्शन इनको ना आए। अब भी सैनिटाइज कर लीजिए सिस्टर। सो बस इतना ही है स्नेक बाइट में, और इतना प्रोसीजर करने के बाद अगर किसी की जान बच जाती है तो हमारे लिए बहुत बेस्ट पार्ट होती है। और इसमें हमारे साथ डॉक्टर्स रहते हैं, सिस्टर स्टाफ रहती हैं, और ऑब्वियस सी बात है बिना सिस्टर स्टाफ के तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैनूला और रिंगा लैक्टेट वगैरह सब इन्हीं यही लगाते हैं, और बाकी हम तो उनको डायरेक्शन देते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस। जब भी स्नेक बाइट होता है तो हम 20 मिनट होल ब्लड काउंट टाइम देखते हैं, और ये 20 मिनट बाद जिस बच्चे का हमने ब्लड निकाला था उनका क्लॉटिंग टाइम देखते हैं, और इसमें ये देखते हैं कि क्लॉट हुआ है कि नहीं। तो इसमें आप ब्लड देख सकते हैं कि क्लॉट हो गया, ऑलमोस्ट क्लॉट हो गया है। अगर ये क्लॉट हो गया तो फिर न्यूरोटॉक्सिक होता है, अगर क्लॉट नहीं हुआ तो फिर वस्कुलोटॉक्सिक होता है, जहर इतना ज़्यादा फैल जाता है कि क्लॉट नहीं हो पाता है। अगर क्लॉट हो गया तो ये अर्ली स्टेज में है और न्यूरोटॉक्सिक है। सो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, कॉमनली रूटीन प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं।